नेपालका भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल भारत बीच उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधानमा भारतीय दूतावास सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल भारतको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दूतावासले गर्दै आएको र आगामी दिनमा अझ सक्रियताका साथ समस्या समाधानमा जुट्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत श्रीवास्तवले नेपालका अन्य नाकाबाट नेपाली चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि एक दिनको लागि अस्थायी सवारी पास उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा वीरगंज रक्सोल नाकाबाट समेत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँ पोस्टकी रिपोर्ट है पहले जनवरी इस साल की, जो बताती है कि पिछले साल आपका करीब 2 लाख टन से ज्यादा का क्लिंकर का एक्सपोर्ट हुआ है और करीब 6 लाख टन से ज्यादा सीमेंट का एक्सपोर्ट, जो पिछले आर्थिक वर्ष के मुकाबले कम से कम दुगना है। तो डिमांड हमारे यहाँ थी कि वो बढ़ेगा। अब क्वेश्चन है कि उसको किस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीट करना है, वो बीआईएस की प्रक्रिया है, वो बीआईएस देखता है, उसमें उनकी प्रक्रिया कैसे चलती है, क्या प्रक्रिया है, वो टेक्निकल बॉडी है, उसमें हम ज्यादा कुछ करते नहीं, जैसे हमने पहले भी नहीं किया और एक्सपोर्ट बढ़े हैं। कार्यक्रममा बोल्दै वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले नेपाल भारत बीचको व्यापार घाटा गहिरिँदै गइरहेकोले भारतमा नेपाली वस्तुहरूको सहज निर्यातको लागि विशेष सहुलियत एवं भन्सार ड्युटीमा छुटको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भारत र नेपाल सरकार दुवैले मान्यता दिने किसिमको सीमा क्षेत्रमा एउटा सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन तथा खाद्य प्रयोगशालाको स्थापना गर्न समेत सुझाव दिनुभयो। अग्रवालले भारतीय पोर्टमा तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आउने मालवस्तुको लागि रेलवे ऱ्याकको उपलब्ध गराउन, दुई देश बीचको व्यापारिक समस्या समाधानको लागि एउटा डिस्प्युट सेलको स्थापना गर्न समेत आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। कनेक्टिविटी होने के हिसाब से अगर रक्सोल का एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो नेपाल और भारत का ये कनेक्टिविटी से धार्मिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, ये जितने भी हैं ये सारे में बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ का। इससे आर्थिक रूप से भी, स्वास्थ्य के रूप से भी, धार्मिक रूप से भी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा महामहिम जी से रक्सोल का एयरपोर्ट रीस्टार्ट कराने के लिए क्या पहल कर सकते हैं, इसके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारिणी सदस्य डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ताले नेपाल खाद्यान्नको लागि भारतमा निर्भर रहेकोले भारतले धानमा लगाएको 6 लाख मेट्रिक टन कोटालाई बढाई 10 लाख मेट्रिक टन पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल तो यसरी बहुत ही अभी अर्थव्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, तो अगर संभव हो तो वो नोट को भी एक्सचेंज करने की व्यवस्था अगर की जाए तो कहीं ना कहीं नेपाल को उससे बहुत ही राहत होगी। और दूसरी एक और चीज़ मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा सर, जो कि बड़ा क्रिटिकल है और बड़ा हम लोग के लिए बहुत हेडेक हो रखी है, जैसे ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लुम्बिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट्स तो बन गए और इसकी कनेक्टिविटी आज भी सर नहीं हो पा रही। इस कनेक्टिविटी को मेरे को लगता है कि इस पर अब बहुत बड़ी एक डायलॉग, एक बहुत बड़ी एक एडवोकेसी की ज़रूरत है कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि आज नेपाल सरकार बहुत बड़े लोन्स में आ चुका है और ये एयरपोर्ट्स अभी भी नहीं चल रहे हैं सर। और सेम चीज मैं देख रहा हूँ फास्ट ट्रैक के साथ में। कार्यक्रममा भारतीय महावाणिज्य दूत देवी सहाय मीना, मध्य प्रदेशका पूर्व खाने पानी मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा, भारतीय राजदूतावासका शेखर सुमन, भारतीय महावाणिज्य दूतावासका वाणिज्य दूत सतीश पट्टाफु, संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल भारत बीचको सहकार्य, व्यापार, उद्यम विकासमा देखिएका कमजोरी तथा समस्याहरूबारे छलफल गरिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट प्रणय कुमार शाहको रिपोर्ट।